नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ब्लूटूथ एयरफोन को रिपेयरिंग करके। जब ब्लूटूथ एयरफोन खराब हो जाए तो इसको फेंक दे या रिपेयरिंग कराए, तो इसको बिल्कुल फेंकना नहीं है। इसको सबसे पहले हम जानेंगे कि इसमें खराबी क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे तीन बटन दिया हुआ रहता, एक तो साउंड ज्यादा करने के लिए, एक साउंड कम करने के लिए, एक पावर ऑन करने के लिए, या कॉल आए तो कॉल यहाँ पे दबाकर हम उठाने के लिए। इसको हम ऑन करके पहले देखते हैं। इसको यहाँ से हम दबाए रखेंगे 2 सेकेंड 4 सेकेंड के लिए, तो ये ऑन नहीं हो रही है। उसके बाद इसको हम चार्ज में लगाकर देखेंगे। तो इसको हम चार्ज में पहले लगाकर देखे हैं, जब ये चार्ज हो रहा है तो 10 सेकेंड या 20 सेकेंड तक लाल बत्ती इसमें जल रही है और ऑटोमेटिक ब्लू बत्ती जल जा रही है और ये चार्ज भी नहीं हो रही है। तो जैसे यहाँ पे देखते रहिए आप, 10 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर में इसमें ब्लू लाइट जल जाएगी और ये ऑन भी नहीं होगी। तो चलिए इसको हम 5 सेकेंड या 10 सेकेंड इसको चार्ज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अभी ब्लू लाइट इसमें जल गई और इसको हम चार्ज में से निकाल रहे हैं और फिर इसको ऑन करके हम देख रहे हैं तो ये ऑन भी नहीं हो रही है। तो इसमें खराबी क्या आई हुई है? तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। खोलने के लिए इसमें आपको कोई भी स्क्रू देखने को नहीं मिलती है। यहाँ बीच में देखिएगा तो बीच में लॉक लगाया हुआ रहता है। इस लॉक को यहाँ से हमने खोल देंगे। इस तरह कोई भी नुकीला चीज लेकर या स्क्रू ड्राइवर से इसको आप खोल सकते हो। खोलने के बाद में इसमें हम कंडीशन देखें तो देखिएगा, इसमें का तार सब टूटा हुआ है। यहाँ पर जितने तार है इसमें टूटा हुआ है। एक साइड इसमें का बोर्ड लगा हुआ रहता है इसका सर्किट, और दूसरे साइड में यहाँ पे बैटरी लगा हुआ रहता है। और यहाँ पे देखिएगा तो इसमें का मात्र एक ईयरफोन इस बोर्ड से कनेक्ट है और एक ईयरफोन का तार यहाँ पे टूटा हुआ है और बैटरी का तार भी टूटा हुआ है। तो इसमें कौन सा तार बैटरी का है और कौन सा तार ईयरफोन का है, इसको जानने के लिए यहाँ से हम पता नहीं कर सकते हैं जब तक इसको दूसरे साइड से हम खोल कर चेक ना कर ले। कलर बाय कलर इसमें तार दिया हुआ है, तो पहले हम इस तार की कलर को यहाँ चेक करेंगे कि कौन सा तार एयरफोन का है और कौन सा तार बैटरी का। उसके बाद यहाँ पे आपको चार पॉइंट देखने को मिलेगा। इस चारों पॉइंट पे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस और माइनस लिखा हुआ है। इसमें बैटरी का तार कौन है और एयरफोन का तार कौन है, तो इस बोर्ड में पहचानने के लिए देखिएगा, यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा होगा तो प्लस वाला प्रिंट यहाँ पे पतला गया, माइनस वाला जो प्रिंट है यहाँ पे बड़ा प्रिंट है। तो यानी प्लस और माइनस का बैटरी का तार ये वाला है और दूसरे में जो प्लस माइनस है ये ईयरफोन का पॉइंट है। तो इस तरह हम इसको ईयरफोन और बैटरी का पॉइंट पहचान लेंगे। उसके बाद इस तार में कौन बैटरी का है और कौन ईयरफोन का है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले दूसरे साइड की बॉक्स को खोलेंगे। खोलने के लिए हम सेम तरीका से इसको खोलेंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट यहाँ से खोल लेते हैं। खोलना बिल्कुल आसान है, तो इसको हमको निकालना होगा। निकालने के बाद में यहाँ से हम चेक करेंगे कि कौन सा तार एयरफोन का है और कौन सा तार बैटरी का है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये दो जो हरा कलर में है ये एयरफोन का तार है। ध्यान से देखिएगा, दो हरा कलर का जो तार है एयरफोन का है और एक पीला तार और एक रेड तार, ये दोनों बैटरी का तार है। तो इस तरह हम इसको आसानी से यहाँ से पहचान लेंगे। उसके बाद चलिए अभी इसको हम खुला रहने देंगे और यहाँ पे देखिएगा ये पीला कलर और रेड कलर, ये दोनों बैटरी का तार है। तो इस दोनों को हम बैटरी वाला पॉइंट पे सोल्डिंग करेंगे और ये दो हरा जो तार है इसको हम ईयरफोन की जगह पर सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए इस दोनों को हम फटाफट यहाँ से सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार चारों पॉइंट पर इस चारों वायर को हमने जोड़ दिया। देखिएगा, बैटरी वाला के जगह पर बैटरी वाला और ईयरफोन वाला की जगह पर ईयरफोन वाला, और दो ईयरफोन का तार तो इसमें पहले जोड़ा हुआ था। जब इतना आप एक बार जोड़ लीजिएगा उसके बाद में इसको बीच वाला से पावर ऑन होता है, तो बीच वाला बटन को अभी हम यहाँ से थोड़ा दबाकर ही चेक कर लेते हैं। जैसे दबाएंगे देखिएगा ये ऑन हो गया, यानी जो भी इसमें प्रॉब्लम था तार टूटने से था। तो अक्सर ब्लूटूथ ईयरफोन में तार टूटने से ही प्रॉब्लम आती है, एक साइड सुनाई दे रहा है और दूसरे साइड सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये तार यहाँ से जहाँ पे जोंडा रहता है, जोंडा यहाँ से टूट जाने के कारण
ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये जोंडा हल्का हल्का यहाँ से उभरा हुआ है, तो हो सकता है इसमें सुनाई देगा और नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं देगा तो इतना दूर से हम इस ईयरफोन को काट कर और दोबारा इस पे हम जोड़ देंगे तो ये ईयरफोन वर्क करने लगेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।